पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और विफाक में भी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। यहां खबर है तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं नवाज शरीफ के पास 50 सीटें भी नहीं लेकिन खुद को वजीर आजम समझना शुरू कर दिया। बोले हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मैंडेट हमारे पास है लिहाजा हमें हुकूमत बनाने दी जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और विफाक में भी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा है बैरिस्टर गौहर खान जो कहते हैं कि नवाज शरीफ के पास 50 सीटें भी नहीं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह केपीके में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है, इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आप अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे पंजाब में, हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे पंजाब को अवामी इंशाल्लाह वजीर आला मिलने जा रहा है। जिन इलाकों में वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उन कंस्टिट्यूएंसी में उनके मुतालिका आरओ के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज अलबत्ता पुरअमन होगा। आपके पास कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दें, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। Who will be the next Prime Minister? इमरान अहमद खान नियाजी साहब would decide. He is the leader. Whether he is in jail, he is outside.